फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने बीके अस्पताल में छापा मारकर एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल विजिलेंस उनसे पूछताछ में जुटी है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इस युवक को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेके रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता वरुण की माने तो वह टिफिन सर्विस का काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें फूड लाइसेंस की जरूरत थी। उनके मुताबिक जब वह अस्पताल में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो क्लर्क मंजीत ने 100 रुपए की सरकारी फीस की जगह उनसे 5,000 रुपए की डिमांड की, जिसके बाद उन्होंने विजिलेंस में इसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही विजिलेंस अधिकारियों ने एक टीम बनाई और फिर पैसे लेते मंजीत को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टिफिन सर्विस का काम शुरू करना था तो उसके लिए जोमेटो वाले ने बोला भाई फूड लाइसेंस वगैरह चाहिए होता, तो जिसके लिए फूड सेफ्टी ऑफिस है अपना बीके हॉस्पिटल में, वहाँ गया था मैं। एक मंजीर भाई मिला था मेरे को वहाँ पे, 100 रुपए की पर्ची कटती है जिसकी सिर्फ। तो इन्होंने मेरे को बोला भैया आपका वाटर टेस्ट होगा, हम मौके पे आएंगे देखेंगे नहीं है कि नहीं है, अगर कुछ ऐसा दिक्कत आती है तो उसमें बहुत दिक्कतें आ जाती है, तो आपका सारा काम हम घर बैठे बैठे करा देंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं आपको। तो उसके लिए बोले फिर 5,000 रुपए लगेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो फिर मैं 5,000 रुपए तो देखो जी कौन दे रहा है इतने छोटे से काम के, फिर मैं विजिलेंस आया, विजिलेंस में कंप्लेन करी, मुझे ऐसी बात है 100 रुपए काम के 5,000 रुपए मार रहे, तो फिर इसकी जेल में हुई। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? अब मैं सेक्टर 86 में। अब क्या क्या कार्रवाई की जा रही है विजिलेंस विभाग की तरफ से? गिरफ्तार रेड हैंड हो चुका, गिरफ्तार हो चुका, उसका आधार बन गया, अब गिरफ्तार हो गया, बन गया। कितने लोग थे उसमें? ये अकेला ही था। अकेले ठीक है।